मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीड़न के विरोध में अखंड भारत महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन SSP को सौंपा। इस दौरान अखंड भारत महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह का कहना है कि मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के पीड़ितों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ ही मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि थाना कुंदरकी, थाना भगतपुर और थाना मझोला में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधी प्रार्थना पत्र भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन उल्टा पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसलिए हमने ज्ञापन के माध्यम से कप्तान साहब को अवगत कराया है ताकि जो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाए। आज मुरादाबाद जनपद की विभिन्न थानों द्वारा लगातार अनुसूचित जाति उत्पीड़न के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। वहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार पीड़ितों का उत्पीड़न किया जा रहा है और प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर उनके विरुद्ध मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उस बात को आगाह करने के लिए कप्तान साहब को बताने के पुलिस द्वारा जो लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है उसमें वह एक्शन लें, इसलिए आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पर आए हैं। थाना कुंदरकी, थाना भगतपुर, थाना मझोला, इन तीनों थानों द्वारा लगातार अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधित प्रार्थना पत्र भी लगातार वह दे रहे हैं, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने तीनों प्रकरणों को अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय कप्तान महोदय को दिया है और उसकी प्रतिलिपि हम आपको भी देंगे ताकि आप उसका जो है सुनें। हम चाहते हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, उनकी जांच करा के समाप्त किया जाए। विधि पूर्ण कार्य हो, विधि के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना चाहिए और थानों की नेतागिरी बंद हो।